खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप तमाम की जो मुझे सुन और देख रहे हैं आप सबकी सलामती हो। मैं खुदाम का खादिम पास्टर आर्थर डैनियल आज फिर आपके साथ रोज़ के रूहानी ख्याल के साथ मौजूद हूँ। आज हम खुदाम के पाक कलाम में से मुकद्दस याकूब का आम खत और उसका चौथा बाप और उसकी 13वीं आयत से लेकर उसकी 16वीं आयत के आखिर तक खुदाम के पाक कलाम से पढ़ेंगे और इसमें से आज के ख्याल को देखेंगे। खुदाम के कलाम लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहाँ एक बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफ़ा उठाएंगे और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा, ज़रा सुनो तो तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है, बुखारात का सहाल अभी नज़र आए अभी गायब हो गए। यूँ कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे, मगर अब तुम अपनी शेखी पर फ़ख्र करते हो, ऐसा सब फ़ख्र गुनाह है। मेरे जीजू, जब हम आज के इस दौर में देखते हैं तो ईमानदार और गैर ईमानदार तमाम लोग इस बात में शामिल हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए मंसूबा साजी करते हैं। मंसूबा साजी करना गलत बात नहीं, लेकिन मंसूबा बनाते हुए अगर हम अपने मंसूबों में खुदावंद को शामिल नहीं करते, अगर हम उसको अव्वल दर्जा नहीं देते या ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते कि अगर खुदावंद ने चाहा तो हम ऐसा करेंगे, तो ये सब मंसूबा खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये शेखी और फ़ख्र है और खुदावंद फ़ख्र को और शेखी को पसंद नहीं करता। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में जानते ही नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी का हाल बुखारात का सा है, अभी नज़र आए और अभी गायब हो गए। मेरे चीज़ों, आज हम खुदावंद के लोग होते हुए खुदावंद पर ईमान रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ये एक गुनाह जिसे हम छोटा सा गुनाह समझते हैं ये मौजूद होता है। हमें अपनी ज़िंदगी में इस गुनाह को ख़त्म करने की ज़रूरत है और ये कहने की ज़रूरत है कि आए खुदावंद अगर तू ये चाहे तो मैं ऐसा करूँगा, आए खुदावंद अगर तेरी मर्ज़ी हो तो मैं इस काम को सर अंजाम दूँगा। हमें इस बात को याद रखना है कि हमें अपने मंसूबों में, हमें अपने फ़ैसलों में खुदावंद को अव्वल दर्जा देना है, तब भी हमारे मंसूबे मुकम्मल होंगे, तब भी हमारे फ़ैसले जो हैं वो खुदावंद उनमें शामिल होकर उन फ़ैसलों पर अपनी मोहर लगाएगा। कलाम में लिखा है कि जहाँ कहीं दो या तीन मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके दरमियान में होता हूँ। ये बात, ये आयत खुदावंद के पाक कलाम में फ़ैसला करने के लिए बयान की गई है और अगर हमारी ज़िंदगी में हम जमा हैं और खुदावंद हमारे साथ नहीं तो हमारे जो फ़ैसले हैं वो हमारे लिए परेशानी का बाज़ ठहरेंगे। सो अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को, उसके कलाम को और उसकी मर्ज़ी को अहमियत दें। खुदावंद आज की सुरहानी ख्याल के वसीला से आपको बरकत बख्शे, आमीन। आए अपने सरों को झुकाएँ और दुआ करें। आए ज़मीन और आसमान के मालिक और खालिक, हम मिन्नत करते हैं कि आए खुदावंद हमें ये तौफीक बख्शना कि हम अपनी ज़िंदगी के हर मंसूबा में और हर फैसले में तुझे अव्वल दर्जा दें, ताकि अब आप हमारे मंसूबे और हमारे फैसले तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हों। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।